बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ज़बान व अदब का एक रोशन सितारा हज़रतुल उस्ताद मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहिमहुल्लाह, अरबी रिसाला अद्दाई के मुदीर और मादरे इल्मी अज़हर एशिया दारुल उलूम देवबंद सरबरंद के शेखुल अदब के विसाल पर एक मुख्तसर ताज़ियती तकरीर जुमला मुतल्लिक़ीन के नाम हस्बे मरातिब यह नगमा सराई करती हुई। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आह रहमतों की रिम झिम की बारिश से नहाकर, यानी माह रमज़ान का अशर उला पाकर, मगफिरत की फुहार से सैराब होकर, यानी माह रमज़ान का अशर सानिया पाकर, बिल आखिर नजात अज नार जहन्नम की बशारत पाकर, यानी माह रमज़ान का अशर सालिसा की तैयारी में वो थका मांदा मुसाफिर चल दिया है। हमें हज़रत अल्लाह जल्ला मजनूहू की बेपाया रहमतों से यही उम्मीद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लिल्लाहि मा आता व लिकुल्लि अजलिन मुसम्मा। हज़रत उस्ताद का ज़ाहिरी व बातनी खुलिया, मुतवस्सित कदो कामत सुबक रफ्तार, मगर अजहद बावकार, खुश पोश व खुश खुराक, खुश मिजाज व खुश कलाम, जबान व अदब का पैकर महसूस, तहरीर पर तकरीर के और तकरीर पर तहरीर के असरात नुमाया, हर वक्त लबों पर तबस्सुम रक्सां, तबअन खामोश अपने काम के साथ काम, दुनिया वमा फीहा से बेखबर, मगर बदलते हालात पर उकाबी नजर, दरसगाह से कयाम गह तक और कयाम गह से इबादत गह तक यानी मस्जिद तक, कुर्ब व बोध के तबकी तौर पर असफार से अजहद नफूर, कुर्ब व बोध के असफार से तबकी तौर पर नफूर, मगर बवजह ज़रूरत मजाले इनकार नहीं, कलम व किरतास के हवाले से हर वक्त मुतहरिक व फ़आल, रह चलते ज़बान बज़िक्र खालिक़े ज़मीन व ज़मान मशगूल, तस्बीह दर दस्त पर हल्का सा बैग हर वक्त दर बगल, शफ़क़त बर तलबा शफ़क़त बर तलबा तवाज़ु मा मुआसिरीन, अदब बा अकाबिरीन, मुख्तलिफुल अलवान शेरवानी हमा वक्त ज़ेब तन, सफ़ेद लिबास में हमेशा मलबूस, देवबंदी कुलाह इफ्तिखार बरसर, हर वक्त हशाश व बशाश, हालांकि मजमूई अमराज क्या मजाल के हरफ शिकायत बरज़बान हो, बल्कि सब्र और शुक्र का मुजस्समा थे। बिलाखिर मैदान ज़बान व अदब का ये शह सवार दस्ते अजल से अपनी आँख को छुड़ा न सका, और कई रोज़ तक मौत और हयात की कश्मकश में रह कर तकवीनी निज़ाम के सामने उसने सर तस्लीम खम किया, और बीसवें रमज़ान की रात को बिलाखिर वो हादसे फाजिया पेश आया जिसको आना ही था। इस तरह ज़बान व अदब की महफिलें सोनी सोनी सी हो गई हैं। अल्लाहुम अग़फिर लहू वरहमहू वाजअलिल जन्नत मस्वाहू आमीन। दारुल उलूम देवबंद में अहकर जब साले हफ्तुम इरे मिशकात शरीफ के साल में था, तो हज़रत मरहूम ही के अगल बगल में मुझे कमरा नंबर 73 दिया गया था।
इसलिए कदर करीब से जानता था, मगर हक तो यह है कि तालिब इल्मी के लाउबालीपन की वजह से जान न सका। अब जो कदरें जानने लगा था तो हजरत चलती बिहार के मशहूर जिला सीतामढ़ी का मुतवज्जिन था, मुतवज्जिन थे। ज़बान व अदब का आप एक रोशन सितारा थे। आपकी उर्दू व अरबी शाहकार तसानीफ हमारे इस दावे पर शाहिदे अदल हैं। सहराए तसनीफ तालीफ के इस बाद पैमा मुसाफिर ने उम्मत को ये नहायत ही इल्मी और कीमती सरमाया यूं दिया है। नंबर एक, फिलस्तीन की इंतजार सलाहुद्दीन। माता तकूनुल किताबातु मुअस्सिरतु फी मौकबिल खालिदीन मिन वहयिल खातिर। वो कोह कन की बात अदाई के इदारियात और शजरात, मगर इन शाहकार तसानीफ में से जिस तसनीफ ने महफिल ज़बान व अदब में धूम और हलचल मचाई है, जिसकी एक एक सतर से आपके अरबी व उर्दू ज़बान व अदब में कमाल रसूख का अंदाज़ा होता है, जो ज़बान व अदब और सहाफत व इंशा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक सरमाए एक सुरमाए दुर्रे नजफ है, एक तोहफ़े यगमा है, एक नियमत गैर मुतरक्कबा है, एक हयात बख्श पैगाम है और एक नागुज़ीर ज़रूरत है, जो इस हवाले से सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित हो रही है और जो बकसरत ज़ेवर तबाअत से मुज़य्यन व मुरस्सा होकर शायक़ीन के हाथों पहुँच चुकी है। वो है जो हर्फ शीरीन के नाम से मुतारफ है। हक तो यह है कि यह किताब इस्म बा मुसम्मा है। इसकी पहली इशाअत जुलाई 1997 ईस्वी में हुई थी और जून 2017 ईस्वी तक इसके कोई 20 एडिशन ज़ेवर तबाअत से आरास्ता हुए हैं। आपकी ज़बान तहरीर व तकरीर में लखनवी हलावत और देहलवी शुस्तगी पाई जाती है। इस तरह अफदून बज़्मों के बैक वक्त एक हसीन संगम थे। ज़मीर लालह में रोशन चरागे आरजू कर दे, चमन के जर्रे जर्रे को शहीद जस्तजू कर दे। आ फख्रे देवबंद गंजीनए ज़बान व अदब और हमियत दीन व हिमायत हक़ मुबीन के पैकर महसूस हजरत उस्ताद बल्कि उस्ताज़ुल असातिज़ा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद सरबुलंद के माय नाज़ शेखुल अदब अरब मशाइख़ के यहाँ अज़हद महबूस अरब मशाइख़ के यहाँ अज़हद महबूब और महसूद अकरान हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब केरानवी कासमी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी के ज़बान व अदब में हकीकी जानशीन थे। आपकी मुबारक सोहबत तवीला के नतीजे में मुसलसल या हम ये कहें जहद मुसलसल जफाकशी व रियाजत कशी और तहकीक व मुताला की अरख रेजी जैसे कमालात आपके अंदर सरायत कर गए थे, इस तरह इस जानशीनी का सही हक आपने अदा किया है। रंग हो या खिश्तो व संग जंग हो या हर्फ व साउत मोजज़े फन की है खूने जिगर से नमूद। बहरहाल हजरत उस्ताद बज़ाहिर अपनी जगह खाली छोड़कर चले गए हैं। हजरत खालिक अर्ज़ो समा और मालिक ज़मीन व ज़मां हमारी मादर इल्मी को आपका न्यामल बदल अता करे, आमीन। वलैसा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। बेशुमार सोगवारों में से एक यह सोगवार एक इफ़्ले मकतब
मोहम्मद इसाक नाज़की कासमी कश्मीरी गफर अल्लाहु अल बारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।